साथियों नमस्कार, स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। 69,000 शिक्षक भर्ती उत्तर कुंजी प्रकरण में एक बार पुनः आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो सुनवाई होनी है कल की, उस पर फिलहाल संकट के बादल सरकार ने अपना नया गेम प्लान चला दिया है। गेम प्लान क्या है हम उस पर बताएंगे। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल से जुड़ जाइएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करिएगा ताकि आपको मिले नोटिफिकेशन और जानकारी हमेशा अवेलेबल होते रहे। तो चलिए सीधा चलते हैं खबरों की तरफ, क्या है आपके लिए पूरी खबर। तो आपकी स्क्रीन पर ये रहा डायरी नंबर 10881-2022 द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अभिषेक श्रीवास्तव। ये आपकी याचिका है, लगी कहाँ थी, माननीय जस्टिस के एम जोसेफ साहब बेंच के में, बेंच में लगी थी। और इसके साथ साथ इसकी जो सुनवाई डेट है वो थी 2/9/2022, यानी कल की डेट पे इसकी हियरिंग होनी थी। लेकिन अब सवाल ये है कि सरकार ने एक रिक्वेस्टेड लेटर जो है वो अपलोड कर दिया है माननीय न्यायालय को, कि उन्हें जो है एक सप्ताह का और समय दे दिया जाए, वो एक सप्ताह बाद फिर से तैयार होकर के आएंगे, फिर उनके मामले को सुना जाए। अब ऐसा कहने के लिए कोई आधार होना चाहिए, ग्राउंड होना चाहिए। तो ग्राउंड उन्होंने ये तैयार किया कि जो पिछली सुनवाई हुई सुप्रीम कोर्ट में, उसका ऑर्डर आया है डीले से। तो डीले से ऑर्डर आने के कारण उनकी तैयारी पूरी नहीं हो पाई है। अगर उन्हें एक हफ्ता का समय दे दिया जाता है तो अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे और पूरी करके फिर जो है वो अपनी सुनवाई कराएंगे। तो ये है नया गेम प्लान। अब इसे देख करके हमें आपके आराम से समझ में आ रहा होगा कि भाई डेट पे डेट ही क्यों, मामले को सुन करके बेहतर तरीके से जल्द ख़त्म किया जाना चाहिए, क्योंकि इंसान का स्वाभाविक दिमाग है, काम सीधा सीधा हो जाना चाहिए। ये ऐसा मैं भी सोचता हूँ, ऐसा आप भी सोचते हैं, लेकिन न्यायालय हमारा जो है इस प्रकार से चीज़ें नहीं सोचते। वो अपने हिसाब से, उनका जो एक रूल है उसी रूल के हिसाब से, उसी रूल के बिहाफ पे काम करते हैं। फिलहाल हमें कल का करना होगा इंतज़ार कि क्या कल हियरिंग हो पाएगी या नहीं हो पाएगी, क्या रिक्वेस्टेड लेटर एक्सेप्ट हो करके डेट को क्या वाकई में एक हफ्ते के लिए बढ़ा करके जो है फिर से सरकार को मौका दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें हालांकि भविष्य की गर्त में, बस आप उम्मीद कर सकते हैं। लेकिन जो करना था सरकार ने अपने मुताबिक जो है इसको प्लान सेट करके करे। इसमें नुकसान किसका हो रहा, हमारा और आपका। एक नंबर के जो भी साथी वो सही हैं, उनको डबल विन से ऑर्डर मिला है, लेकिन आज भी लेट होने की वजह से नियुक्ति प्रक्रिया रुकी पड़ी है। और आगामी निकट भविष्य में कब तक इस प्रकरणों को इस तरह से खींचते रहेंगे, इस पर कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मिलूंगा मैं और भी जानकारियों के साथ, बने रहेगा चैनल के साथ। तब तक के लिए आप सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद।